से मुझे यहाँ कहा गया है कि एक पैरेलल पाइप के तीन को टर्मिनस एजेस ए बी सी अगर है तो हमें इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम इवेल्युएट करना है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक पैरेलल पाइप है। इस पैरेलल पाइप में मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी कराते हुए भी बोला था कि एक कॉमन वर्टेक्स से जो तीन एजेस या तीन डायमेंशन जो एक क्यूबाइड के होते हैं उसे हम को टर्मिनस एजेस कहते हैं। इन को टर्मिनस एजेस के वेक्टर मुझे यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए गए हैं और मुझे कहा गया है कि इस पैरेललोग्राम का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कि हमें इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए एबीसी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि को टर्मिनस एजेस अगर हमारे पास हैं एबीसी तो पैरेलल पाइप के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, यानी इन तीनों वेक्टर की सर्कुलर रोटेशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही इससे बनने वाले रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होगा। और तीन वेक्टर के आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है, जबकि तीनों वेक्टर आपको न्यूमेरिकली गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पहला वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट आप लिखेंगे 2 -3 4, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आप लिखेंगे 3 -1 2, तीसरे के स्केलर कंपोनेंट आप लिखेंगे 1 2 -1 और इसे आप इवेल्युएट कर देंगे। इसे इवेल्युएट करूंगा तो मैं इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो पर एक्सपेंड कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट 2, रो कॉलम छोड़ने पर डायगनल माइनस ऑफ डायगनल अगर मैं करूँगा तो यह आएगा 1 -4, फिर माइनस यह फॉर्मूले में रहता है। सेकेंड एलिमेंट -3 है तो -3, रो कॉलम छोड़ेंगे डायगनल माइनस ऑफ डायगनल करेंगे तो ये -3 -2 हो जाएगा, +4, रो कॉलम छोड़ेंगे डायगनल माइनस ऑफ डायगनल फिर हम करेंगे तो ये 6 +1 आ जाएगा। सॉरी, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 1 -4 -3, -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6, -5 की 3 से मल्टीप्लाई -15, 7 की 4 से मल्टीप्लाई 28, +28 आता है। -15 -6 -21 +28 7 आ जाता है, यानी इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम 7 यूनिट क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक और पैरेलल पाइप, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के तीन को टर्मिनस एजेस दिए गए हैं जिसका वॉल्यूम पूछा गया है, जो आप बिल्कुल सेम इसी तरह से डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।